साधना किया उन्होंने, सिद्धि यहीं मिली, जो तपस्या करके जो साधना करके सिद्धि प्राप्त हुई वही इसी स्थान पर मिली। एक होता है देखिए बहुत जगह बाबा गए लेकिन मेन स्थान ये सिद्धि पीठ है ना, इसी नाम से सारे विश्व में जाने गए लक्ष्मण दास, हाँ इसी स्थान यहीं की है, वही मेन स्थान है ही। आप बाहर देखेंगे बोर्ड लगा तपस्वी स्थल, मतलब किसी स्थान पर तपस्वी स्थल नहीं लिखा होगा, ये तपस्वी स्थल है। उनका जो तपस्या करके जो सिद्धि मिली, उनको शक्तियाँ हनुमान जी की प्राप्त हुई वो यहीं से हुई। आप सभी भाइयों को मिस्टर हिंदू का नमस्कार प्रणाम। मैं मौजूद हूँ हरदोई ज़िले के प्रहलाद कुंड पर। इस कुंड का महत्व फ़िलहाल मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, मैं अपनी यात्रा हरदोई से नीम करौरी गांव के लिए शुरू करने वाला हूँ जो कि फर्रुखाबाद ज़िले में स्थित है। इसकी दूरी यहाँ से 100 किलोमीटर है। नीम करौरी शब्द आपने सुना होगा क्योंकि बाबा नीम करौरी को इस समय दुनिया में कौन नहीं जानता, लेकिन उस गाँव का महत्व क्या है मैं ये आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये यात्रा। अभी 35 और 40 करीब 50 किलोमीटर और राइड करने वाले हैं नीम करौरी पहुंचने के लिए। उससे पहले फर्रुखाबाद में मैं मिलने वाला हूं अपने कज़िन को। कज़िन वैसे हिंदुओं में कज़िन जैसा कुछ होता नहीं है, हम तो बस भाई होते हैं, तो अपना भाई है हनी। अपन वहां से हनी को लेने वाले हैं और फिर हनी को साथ लेकर पहुँचेंगे आगे। और आगे मिल गया है शेर, देख लीजिए साहब शेर है, स्लोगन लिख रखा है शेर का, पीछा बच्चे नहीं करते बाबा, इसलिए ओवरटेक कर लेते हैं, पीछा नहीं करेंगे तुम्हारा, आगे आगे जाएंगे। पहुँच गए हैं पांचाल घाट, गंगा घाट है फर्रुखाबाद का। गंगे भैया फर्रुखाबाद से चलकर पहुंच गए हैं ममदाबाद और समय हो गया है 1:30 बज चुके हैं और अभी तक सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हुए हैं। ममदाबाद में कुछ फेमस है वो है दुबे जी की मिठाई की दुकान, यहाँ के रसगुल्ले फेमस हैं काफ़ी और हमें भी काफ़ी भूख लगी है, कहते हैं ना भूखे भजन न होए गोपाला, तो भूखे पेट भजन होने के संभव नहीं हो पाता। रसगुल्ले पर फेमस क्यों हैं जी? रसगुल्ले फेमस क्यों हैं आपके, मतलब क्या अलग क्या है? अलग कुछ नहीं है भैया, बस मतलब आप मटेरियल अच्छा यूज़ करिए, चीज़ों में प्योरिटी है, बस अच्छा लगता है। कितनी पुरानी दुकान है जी? कितनी पुरानी दुकान है? 160 साल। मैं इसी पीढ़ी में बैठा हूँ। दो जगह और यहाँ से नीम करौरी कितना पड़ता है? यहाँ से नीम करौरी आप उस अंदर रास्ते में चले जाएंगे सीधा 8 किलोमीटर पड़ेगा आपको, सीधा मिलेगा आराम से आपको। ठीक है, थैंक यू। और वो स्टेशन कहाँ नेम करो? हाँ कहते हैं ये पहले से है, ये पहले से करीब 100 किलोमीटर की राइड के बाद मैं पहुंच गया हूं फर्रुखाबाद स्थित नीम करौरी धाम। ये देखिए दर्शन कीजिए आप यहाँ के, मेरे पीछे लाइन लगी हुई है दर्शन के लिए। मैं भी यहां पर दर्शन करूंगा और दर्शन के बाद कोशिश करूंगा यहां के जो भी पुजारी हैं महंत हैं उनसे बात करने की, जिनसे बात करेंगे कि यहाँ का महत्व तो क्या है और कैसे बाबा का नाम नीम करौरी पड़ा। नीम करौरी
काहे ब्रास कर रहे हो सिक्का का, क्या मान्यता है इसकी? ये चिपक जाता है। अच्छा, इसका चिपका है किसी का? बहुत चिपकते, अभी तो छुटा लिए। अच्छा, बाबा की जो यात्रा है जैसे आगे की, तो जहाँ तक की उनकी यात्रा रही है उसके बारे में मुझे जानना है। 12 से 35 की जो यात्रा रही वो विशेष रही। इन गुफाओं में सुरंग बनाया उन्होंने, तपस्या किया, हनुमान जी की मूर्ति उनके हाथों से बनी है ये, और कहीं नहीं बनाया उन्होंने। ये पत्थर की मूर्ति नहीं है, मिट्टी और गौ की गोबर की मूर्ति बनी हुई है, और इसी में मंगल और शनिवार को चोला चढ़ता है हमारा, बाकी मूर्ति वही है। इन्हीं से सिद्धि प्राप्त की हनुमान जी की, हनुमान जी की सिद्धि। और जब भी 1912 में बड़ा भंडारा यज्ञ करके जहाँ भी गए तो बाबा नीम करोरी के नाम से जाने गए। बाबा का नाम नीम करोरी नहीं, नीम करोरी इस गांव का नाम, इस गांव के नाम से मस्त। बाबा का नाम लक्ष्मण दास है, बाबा लक्ष्मण दास। वो रेलवे ने बोर्ड लगा दिया लक्ष्मण दासपुरी के नाम से, स्टेशन जो बना उनके नाम से बोर्ड वो रेलवे ने ले लिया। हाँ, वो रेलवे ने बोर्ड लगाया और ये नाम सारे विश्व में चला गया। जहाँ भी बाबा गए नीम करोरी, बाबा नीम करोरी वाले, ठाकुर जी हनुमान जी बाबा नीम करोरी, इसी गांव के नाम से विश्व में विख्यात हुए। हाँ, हनुमान जी के दर्शन क्या, उनके अंदर हनुमान जी की प्रवेशता हो गई, शक्ति यहाँ जो प्राप्त किया अंतर ध्यान की विद्या, एक स्थान से अनेकों स्थान में जाना, तो वो यहाँ से प्राप्त। मूल रूप के रहने वाले तो फिरोजाबाद के थे, फिरोजाबाद में अकबरपुर गांव है वहाँ के रहने वाले, वहाँ भी आश्रम है उनका, अपनी ज़मीन में जो पैतृक मकान था वो सब आश्रम बन गया, मंदिर है आश्रम है वो सब वहाँ ट्रस्ट बना दिया। मंदिर इसके अंदर जो बिस्तर दिख रहा है ये बाबा जी के लिए? हाँ, बाबा जी के लिए, सभी के मंदिर में बिस्तर होते हैं, सभी देवों के लिए बिस्तर होते हैं, उनकी शयन होता है, आरती होती, भोजन होता है, तो सभी के लिए होता है। आश्रम में बाबा जी से जुड़ी भी वस्तुएं रखी हुई हैं? अब रखी हुई तो उतने समय कहाँ रखी होंगी, झूठी बात हम आपको क्यों बता दें, उतना समय अभी 108 वर्ष तो यहीं का हो गया, फिर उसके पहले कहाँ नहीं। अच्छा, इस आश्रम को बनने की भी कहानी कही जाती है कि कोई सेठ के उन्होंने इस आश्रम को बनाया था? नहीं है, सेठ ने नहीं बनाया, वो ऐसा नहीं है, तो धीरे धीरे बना थोड़ा थोड़ा, जिसको जितनी आस्था हुई वो बनता गया अपना। नहीं, मैंने कहानी सुनी थी कि कोई वो पहले वो रिक्शा चलाते थे, वो रिक्शा, हाँ रिक्शा चलाते थे, लेकिन थोड़ा कार्य किया जैसे मंदिर उन्होंने बनाया, थोड़ा दुर्गा जी का, ये दो स्थान उन्होंने बनाया, बाद में वो फिर कैंची में काम करने लगे। बाबा जी यहाँ के बाद फिर गुजरात गए, कैंची कहाँ गए? नहीं, गुजरात नहीं गए, गुजरात तो पहले हो आए थे। अच्छा, यहाँ से पहले गए थे वो जी, लेकिन वहाँ सिद्धि नहीं मिली उनको, वहाँ जो है वहाँ तलिया में, लेकिन वहाँ सिद्धि नहीं प्राप्त हुई थी। साधना किया उन्होंने, सिद्धि यहीं मिली, जो तपस्या करके जो साधना करके सिद्धि प्राप्त हुई वो इसी स्थान पर मिली। एक होता है देखिए, बहुत जगह बाबा गए लेकिन मेन स्थान ये सिद्धिपीठ है ना, इसी नाम से सारे विश्व में जाने गए लक्ष्मण दास बाबा नेम करोरी। हाँ, इसी स्थान मेन यहीं की है, वो मेन स्थान है ही। आप बाहर देखेंगे बोर्ड लगा तपस्वी स्थल, मतलब किसी स्थान पर तपस्वी स्थल नहीं लिखा होगा,
ये तपस्या स्थल है उनका, जो तपस्या करके जो सिद्धि मिली, उनको शक्तियाँ हनुमान जी की प्राप्त हुई, वो यहीं से हुई। हनुमान जी का साक्षात्कार यहीं हुआ उनको, यहीं पर उनके अंदर प्रवेशता आ गई हनुमान जी की। अब यहाँ अभी यहाँ बैठे, कहो आगरा में मिल जाए, कहो इलाहाबाद में मिल जाए आपको, तो वो सिद्धियाँ इनके अंदर आ गई। अनेकों को दर्शन देना, अंतर ध्यान की विद्या आ गई, वो यहीं से हुई प्रत्यक्षता। मुझे आपसे जानना जी, जैसे जो संत महात्मा होते हैं, ये मतलब चमत्कार क्यों दिखाते हैं समाज में, चमत्कार दिखाते क्यों हैं, मतलब ईश्वर के का मतलब महत्व बताने के लिए? ऐसा है, वो नहीं दिखाते, वो ईश्वर करता है। किसी को निमित्त बना ले, आपको भी निमित्त बना सकते हैं, आपके अंदर उतना पावर हो जाए। गीता में लिखा हुआ है कि रामंत योगने से सरामा, जो योगी पुरुष होते हैं, जो मुझे निरंतर याद करते हैं, मैं उनमें रमन करता हूँ। ये दीप की बात है, आप भी करने लगे अगर निरंतर भजन करेंगे तो आपके अंदर पावर आ जाएगा। आप थोड़ा कुछ कर रहे हैं, कराने वाला कोई जिसको विख्यात कराना हो तो करा दे, बहुत साधु संत है सबको थोड़ा करा दिया उन्होंने, भगवान को जिसको कराना होता उसी करवाता है। सो जाने जो देह जनाई, जाने तुम्हें हो जाए, जिसको जनाना चाहते उसको जनाते, सबको नहीं जनाते। आश्रम में बहुत सारे लोग हैं, इसका मतलब सब थोड़े सिद्धि प्राप्त कर लेंगे। एक आध को किसी को मिलता है जो भगवान की कृपा जिसके पर हो। संसार में बहुत करोड़ों लोग हैं, क्या सभी को सिद्धि मिल जाएगी? अरे भाई कितने प्रधानमंत्री आए, लेकिन मोदी जी ज्यादा प्रधानमंत्री नहीं है। जो भारत में विश्व के अंदर नंबर वन आज नाम हो गया, तो बहुत प्रधानमंत्री आए। आप कह दे कि इनको सिद्धि प्राप्त, तो है तो सिद्धि ही है उनको। सिद्धि इसलिए कि वो भगवान का आदमी है, पुजारी है, मतलब भक्त है, महादेव का प्रखंड भक्त है वो, तो भक्त को नहीं वो भगवान मशहूर करेगा, अपने बच्चे को मशहूर नहीं करेगा। तो ये भगवान की कला है, इंसान की कला कोई नहीं है। आप कह दें मुझे कि हमारी कला है, हमारी कोई कला नहीं, करने वाला कराने वाला वही है। सारा पैसा यहाँ जमा होता है और बगैर पैसे के हम काम करते हैं, तो ये भी तो एक सिद्धियाँ हैं संतों के पास। लोग कहते हैं महाराज जी आपके बैठने से पूरा आश्रम का शुद्धिकरण हो गया, तो ये सब पावर होता है। किसी किसी व्यक्ति के पास में पावर आ जाता है, वो तपस्या का बल होता है, उसको दिखाने की बात नहीं, कोई दिखाता नहीं है, लेकिन वो मालूम पड़ जाता है। हीरो कचरे में फेंक दीजिए आप, लेकिन कचरे में उसकी चमक नहीं जाएगी, वो पहचान में आ जाएगा। हमारे अंदर आश्रम में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन लोग बड़े बड़े अंतरी मंत्री संतरी अधिकारी आके हमसे मिलने आते हैं, वो कारण होगा कुछ ना, मतलब वो सबको नहीं देता ना ईश्वर पावर। वो जानता है कि इसको अगर देंगे तो ये कहीं उसका दुरुपयोग गलत तो नहीं करेगा। पावर उसी को देता है जो सतयोग में लगा दे, अच्छे कर्मों में लगा दे। बहुत सारे लोग हैं जो दुरुपयोग करने लगते हैं, इसलिए भगवान सबको पावर नहीं देता है, सोच समझ के देता है बहुत। ये सारी बात है, नहीं वो ईश्वर साबित कराने की जरूरत नहीं है। ईश्वर आपका सब जानता है, जानता सब कुछ है वो, लेकिन इसलिए तो किसी को पावर नहीं जल्दी देता ना वो, नहीं सबको दे दे तो समस्या बढ़ जाएगी ना। रावण को दिया तो था, दुरुपयोग करने लगा, दुशासन को दिया, कितने लोगों को पावर दिया, भस्मासुर को वरदान दिया, तो सोचा हम ही भस्म करके भगवान बन जाऊं। बाबा ट्रेन से सफर कर रहे थे यहाँ, तो उनको बिना टिकट में टीसी ने धक्के मार के उतार दिया था।